तो दोस्तों अगर आपने जियो फाइबर सेटअप बॉक्स को अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करके रखा हुआ है और उस स्मार्ट टीवी में जैसे आप जियो टीवी को ओपन करते हैं तो वहां पे आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ आता है नॉट कनेक्शन। अगर आपको इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम मिल रहा है, इंटरनेट को आपने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको जियो टीवी में नॉट प्रोग्रामिंग वाला अगर प्रॉब्लम मिल रहा है तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको वो भी सोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जियो सेटअप बॉक्स को, जैसे आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे निकल के आता है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड देखने को मिलेगा। नीचे में आपको गो टू होम वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाइएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, नीचे में काफ़ी सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जियो टीवी पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जियो टीवी पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी चैनल देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे चैनल नहीं शो हो रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो किसी पे भी आप क्लिक कीजिएगा ये शो नहीं होगा। किसी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, जैसे यूट्यूब को भी ओपन करूँगा तो कैन नॉट कनेक्ट राइट नाउ वाला ऑप्शन मिलेगा, इंटरनेट का यहाँ पर प्रॉब्लम बता रहा है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर में जाना। ऊपर में देखिएगा, सबसे ऊपर में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो इस प्रकार से आपको राइट साइड में जाना है और राइट साइड में आपको सेटिंग वाले ऑप्शन जो मिला इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बगल में वाईफाई मिलेगा। देखिए वाईफाई यहाँ पे डिस्कनेक्ट बता रहा है तो आप सेटिंग को सिलेक्ट करें और सेटिंग पे क्लिक कर दें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सेकेंड में ही आपको नेटवर्क वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक कीजिएगा ऊपर में ही वाईफाई वाला ऑप्शन मिलेगा, वाईफाई पे क्लिक करें और ये स्कैनिंग होना चालू हो जाएगा। तो आपका जियो सेटअप बॉक्स में कौन सा वाईफाई है वो आपको देख लेना है। मेरा दो है ऊपर में, एक देख सकते हैं 244 GHz का है और 5 GHz का। तो आपको जो 5 GHz वाला ऑप्शन मिल रहा है उसमें पासवर्ड डालना है, तो उस पर क्लिक करें और पासवर्ड जो भी आपका है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड को फिलअप कर लेता हूँ। और पासवर्ड को जब आप यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं देन आपको नीचे में ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, ओके को सिलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है। और जैसे आप यहां पे ओके पे क्लिक कीजिएगा कनेक्ट टू, यहां पे डिवाइस बताएगा, कुछ देर में आपका वाईफाई यहां पे कनेक्ट हो जाएगा। मेरा यहां पे वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और वाईफाई कनेक्ट होने के बाद फिर से मैं यहाँ पर जियो टीवी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिएगा जितने भी चैनल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। देख सकते हैं ये चैनल यहाँ पर आ चुका है, इसको आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए फिर से मैं यहाँ पे YouTube को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे YouTube को ओपन करने के बाद देख सकते हैं YouTube में भी आप यहाँ पे कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।